यह भागवत। अब सार बात सिर्फ चार शब्दों में कहीं दूर विराम करें फिर इनका सबका स्वागत। भागवत शब्द में चार अक्षर होते हैं। कोई पूरी भागवत को समझना चाहे तो चार अक्षरों में समझ ले। भाव भास जो पहला अक्षर है वो हमें कहता है कि भागवत से भगवान के प्रति भाव लाओ अपने जीवन में। दूसरा अक्षर है ग, भागवत। पहला अक्षर है भा से भाव, ग से गति। हमारा वह भाव स्थिर न हो, हमारा वह भाव गति कर दिन दिन बढ़े, दिने दिने नवम नवम। भाव हो वह भाव गतिशील हो। और फिर तीसरा अक्षर है व से हमारे जीवन में वैराग्य आए। भाव हो वह भाव स्थिर न हो कि सिर्फ अगरबत्ती लगाने तक सीमित रह जाए, वह भाव स्थिर न हो कि सिर्फ दिया बत्ती तक रह जाए, वह हमारा भाव बढ़े, पूजा पाठ से बढ़े, मंदिर तक जाए, मंदिर के बाद नर में ही नारायण है, नर की सेवा करे, सिर्फ मंदिर तक ही सीमित न रह जाए। और हमारा भाव तो बढ़ा, हमने मंदिर में पूजा की, पत्थरों की पूजा की, वृक्षों की पूजा की, पशु पक्षियों की पूजा की, यहाँ तक कि नाग की पूजा की। यही तो बात है कि भाव से भाव उठा और वह गति किया हमारा भाव। भा व ग से गति, व से वैराग्य। और यह सब भाव गति वैराग्य मिलकर हमारा वह भाव गति वैराग्य तत्व में प्रतिष्ठित हो जाए। यह है भागवत। और एक नवीन अर्थ करो आज के हिसाब से। मैंने पहले दिन ही कहा था कि इस भागवत को चौक से निकालकर पांडाल तक लाने का कार्य डोंगरे जी महाराज ने किया। इस भागवत को शहरों से निकालकर गांवों तक लाने का कार्य पंडित कमल किशोर जी नागर ने किया। और गांवों से निकालकर इस भागवत कथा को आदिम आवासी अंचल तक पहुंचाने का कार्य हमारे श्रद्धेय बाबा जी ने किया। पहले दिन मैंने कहा था मेरे बंधुओं, भागवत भी यह अर्थ प्रदर्शित करती है अपने एक एक अक्षरों में। भागवत का उदय हुआ शुक्रताल में, शुक्रदेव मुनि ने जहाँ परीक्षित को कथा सुनाई थी। भागवत भारत में जिसका विकास हुआ, वह भागवत सिर्फ भारत में ही नहीं, वह भागवत बही, भागवत भारत में आई फिर गांव गांव तक बही। भागवत भारत में ग से गांवों में, व से सिर्फ गांवों तक ही नहीं रही, अब वह वन तक जा रही है। भा ग व और सिर्फ वह मतलब हर तबके तक पहुंच रही है। सिर्फ वह भागवत अमीरों तक ही नहीं है, वह भागवत गरीबों की भी है, हम निषादों की भी है, हम आदिवासी बंधुओं की भी है। भारत भा र भागवत, भागवत अच्छे अर्थ है। भाव भारत में आए, गांवों में आए, वन में आए, हर तबके तक पहुंची, ऐसी यह भागवत शास्त्र है। और इसको तो गंगा की उपमा दी जो हर कहीं बहती है। तो शुकदेव जी महाराज का पूजन किया परीक्षित ने, और फिर शुकदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और परीक्षित अपने ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान में मग्न होते सहस्त्रार में उनका ध्यान गया, तक्षक ने आकर दंश किया, तक्षक दर्शे उनके पहले ही परीक्षित अपने भगवान के धाम में चले गए थे। यह भागवत कथा की महिमा है। और मैंने श्रद्धांजलि भी दी। हमारे आने से पहले तीन मृत्यु हुई, मुझे पता नहीं उनके कौन से जन्म के पुण्य है, इस जन्म के पता नहीं, लेकिन होंगे किसी जन्म के पुण्य जो हमारे आने से पहले तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और यह भागवत कथा उनके निमित्त हो गई। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। हमारे एक भाई जो वहाँ सेवा करते हैं, उनकी बेटी भी 3 महीने पहले किसी कारणवश शांत हो गई। मैं भागवत मैया से प्रार्थना करूँ उनकी बेटी की आत्मा को भी शांति दे। और इस प्रकार यह 7 दिवसीय भागवत कथा यहाँ विराम ले रही है। एक सूत्र और कहूं, 2 लाइन आपके सामने और फिर मेरी वाणी को विराम। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। इन भागवत के सूत्रों को, इन बापूजी की बातों को अपने मन मस्तिष्क में याद करके जाना। फिर न जाने कब ऐसी महफिल सजेगी, लेकिन जहाँ कभी सजेगी और इकट्ठे होंगे और चर्चा करेंगे और गाएंगे और नाचेंगे और माला लेंगे और अपना जीवन हम धन्य करेंगे। हम आदर्श आदिवासी बंधु, हमारे बापूजी ने हमको नाम दिया आदर्शवादी आदिवासी बंधु। सिर्फ नाम ही नहीं दिया, हमें पहचान दी। अब हमारा कर्तव्य कि हम वास्तव में आदर्श आदिवासी बंधु बन जाए।
और बन रहे हैं। 4000 लोगों ने माला अंबा में ली, यहाँ भी सैकड़ों भाई बहनों ने माला ली। छोटे छोटे बच्चे जिनको कख ग नहीं आता, वो भी हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, महामंत्र का कीर्तन करते, ओम का गुंजन करते, जरूर आदिवासी आदर्श आदिवासी बन गए, इसमें जरा भी शंका नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है, मुझे लगता है इतने लोगों ने माला लेकर बापूजी के मार्ग में चलना स्वीकार किया। 7 दिन से मैं जो 4-4 घंटे बोल रहा हूँ, मेरा 4-4 घंटे बोलना सफल हो गया। मेरे बंधुओं, कई जगह जब ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते तो लोग पूछते हैं, महाराज कितना पैसा लेते हैं, महाराज का चार्ज क्या है? अरे महाराज चार्ज नहीं लेते, वो तो आपकी डिस्चार्ज बैटरी को रिचार्ज करते, उनका कोई चार्ज नहीं है। तुम क्या महाराज को चार्ज दोगे? तुम्हारे में क्या ताकत तुम महाराज को चार्ज? महाराज तो तुम्हारी डिस्चार्ज बैटरी, वो चार्ज नहीं लेते, वो आपको रिचार्ज करते हैं। हमारा कोई चार्ज नहीं, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका गुरु मार्ग में चलना, यही हमारा चार्ज है, यही हमारी दक्षिणा है। बाकी तो गुरु कृपा से हमको बहुत कुछ मिला, आप सबके सहयोग से। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम और हो गया। हमारे संगीत बंधुओं का स्वागत कर लो।